चैनल पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टेक्निकल एनालिसिस यूज बाय द इन्वेस्टर इन हिज ट्रेड। और ये जो है ना, इन्वेस्टर अपनी ज्यादातर ट्रेड्स में चैनल पैटर्न को यूज करते हैं ताकि वो अपनी ट्रेड में ज्यादातर बेनिफिट हासिल कर सकें, लॉस के चांसेस कम हो, ट्रेड में प्रॉफिट ज्यादा हो। और इसकी खुशखबरी यही है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत ज्यादातर यूज होता है। 20% जो है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग के लिए चैनल पैटर्न को यूज किया जाता है। और अगर आपने लेट से चैनल पैटर्न को आप टेक ग्राफ के एनालिसिस में देखते हैं ना, चार्ट एनालिसिस में देखते हैं आप, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग ट्रेंड लाइंस, तो आपको चैनल पैटर्न जो है ना ज्यादा अच्छी एक एक पिक्चर देता है। अगर आपको लेट से उसमें चैनल पैटर्न को देखना मुश्किल होता है चार्ट एनालिसिस में, तो फिर आप ट्रेंड लाइन उसको ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइंस को। पर उससे पहले कोशिश ये किया करें कि चैनल पैटर्न को यूज करें। और चैनल पैटर्न जो है ना, एक पावरफुल अलाय है जब आप लिवरेज की ट्रेड करते हैं। लिवरेज की ट्रेड मतलब ये होता है कि आप जब आप किसी अपनी ट्रेड के साथ लिवरेज यूज कर रहे होते हैं ना, अपने ऑप्शन के साथ, कि लेट से आपने ट्रेड किया, उसके अंदर 10 रुपए आपके नहीं है, आपने 10 रुपए की ट्रेड की है और 100 रुपए आपने लगाने हैं, तो आपके पास सिर्फ 10 रुपए थे, तो आपने लिवरेज लिया 10:1:10 का, कि आपने 10 रुपए लगाए और 10 की आगे मल्टीप्लीकेशन के साथ, 10 × 10 के साथ आपने 100 की ट्रेड कर ली ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो उन ट्रेड के साथ, लेवरेज की ट्रेड के साथ चैनल पैटर्न को यूज किया जाता है ताकि आपको नुकसान कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये जो है ना चैनल पैटर्न क्या है, चैनल पैटर्न की होते हैं कि साइडवेज होते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जब आपको साइडवेज ये दो ग्राफ्स को ड्रॉ किया जाता है, दो लाइंस को ड्रॉ करने के बाद चैनल पैटर्न बनता है। साइडवेज होता है कि वो अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है, यानी कि उसका इतना स्विंग हो जाता है कि वो एकदम बुल ट्रेंड से बेयर ट्रेंड की तरफ आपको स्विंग कर देता है, या आपको इसका वाइस वर्सा रहता है कि बेयर ट्रेंड से एकदम बुल ट्रेंड की तरफ जाता है। और लेट से जब ये अपने पैटर्न्स को, एक वक्त आता है ये वीक होना शुरू होता है, तो आपको आपको ये पैटर्न खत्म होना शुरू होता है, तो वो बेस्ट टाइम होता है अपने आप को एग्जिट करने का इस पैटर्न से। इसी तरीके से आप इसमें एंट्री तब कर सकते हैं चैनल पैटर्न में, जब आपको लगता हो कि ये पैटर्न जब स्टार्ट हो रहा है, तो वो बेस्ट टाइम होता है इस पैटर्न के अंदर एंट्री करने का। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ देता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे एंट्री किस तरह करनी चाहिए और किस टाइम पे एग्जिट करना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो कि आप बेहतर से ज्यादा प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये चैनल पैटर्न है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक BHP माइनिंग कंपनी है, उसके साथ ये जी इसका चार्ट है माइनिंग कंपनी का, BHP का। ये आपको यहाँ पे चैनल पैटर्न शो कर रहा है कि ये कैसे बनते हैं। ये जी साइडवेज, ये जहां पे ये मेरा कर्सर है, आपको ये शो हो रहा होगा, ये साइडवेज जो है ना चैनल पैटर्न बना रहा है, ये वाला पोर्शन। यानी कि इसका मैंने आपको बताया कि ये दो सपोर्ट लाइन से बनता है, लाइन ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, कि ये अपवर्ड ट्रेंड भी जा सकता है, असेंडिंग ट्रेंड भी जा सकता है, मतलब आपका मार्केट बेहतर ट्रेंड वे शो कर रही है, प्राइस ट्रेंड बेहतर है, और ये डाउन ट्रेंड भी ये देखिए जैसा शो कर सकता है। इट डिपेंड्स कि कहाँ की तरफ से जा रहा है ये, अगर डिसेंडिंग ट्रेंड से साइडवेज पे आएगा एंड देन असेंडिंग ट्रेंड शो करेगा, तो ये ऐसे होता है कि ये देखें, ये बेयर बेयर टू बुल बुल ट्रेंड, ये बुल ट्रेंड बन रहा है, तो ये इस तरह ट्रेंड शो कर रहा होता है। असेंडिंग ट्रेंड में आप देखें, ये आपकी आपकी जो प्राइस ट्रेंड है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपका हाई हाई जब अपने लो के ऊपर जा रहा है, तो वो मैक्सिमम हाई नहीं लगा रहा अपने पॉइंट को, जिस तरह इस पॉइंट पे उसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को टच किया है, इसी तरीके से इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन को टच किया, और यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन टच नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये वीक होने लगा है, चैनल पैटर्न जो है ना ये वीक हो रहा है और ये डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा, ताकि आपको ये देखें डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा, आपका इस टाइम पे सेल कर देना मार्केट में बेहतर है। इसी तरीके से जब आपको ये वाला ट्रेंड शो कर रहा होगा डिसेंडिंग ट्रेंड, तो आपका इस टाइम पे मार्केट में एंट्री लेना बेहतर है, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन कर सकें। साइडवेज ट्रेंड तो एक न्यूट्रल एक एलिमेंट के तौर पर कंसिडर किया था कि मार्केट ने किस ट्रेंड पे जाना है, तो ये इस तरह चैनल पैटर्न जो है ना आपको हेल्प करता है कि आप ये मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें हेल्प कर सकते हैं अपने लिए कि आप एक अच्छी ट्रेड लगा लें।